तो दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आती है। इस बारे में मैं वीडियो बनाने ही वाला था लेकिन मेरा फ़ोन खो गया था तो मैं नहीं बना पाया, तो अब बना रहा हूँ। तो दोस्तों बड़ी अपडेट ये है कि जनार्दन सिंह गहलोत और उनकी पूरी की पूरी फैमिली को निकाल दिया गया है कबड्डी से रिलेटेड किसी भी चीज़ से। इसका मतलब है दिल्ली हाईकोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जनार्दन सिंह गहलोत और उनकी वाइफ मृदुला भदौरिया और उनके बेटे और उनकी पूरी की पूरी फैमिली कोई भी अब कबड्डी से रिलेटेड कोई भी टूर्नामेंट में एज एन अध्यक्ष नहीं जा सकते, उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। एशियन गेम्स आने वाली है, एशियन गेम्स में भी वो मतलब टीम के साथ ऑफिशियली नहीं जा सकते। अपना टिकट खरीद के VIP सीट लेके अगर बैठ सकते हैं तो जाए, वरना उनको ऑफिशियली नहीं लिया जाएगा। अगर लेके जाते हैं कोई भी तो उनको जेल होगी सरासर। और दोस्तों IOC इंटरनेशनल ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कुछ लोगों को भी जेल में डाल दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के तरफ से। और दोस्तों ये जो मतलब AKFI के अध्यक्ष को खारिज किया गया, उसके जगह पे एक एडमिनिस्ट्रेटर सनत कौल जी को हायर किया गया और वो ही सब कुछ अभी संभालेगी, वो ही सब कुछ अभी देखेगी। और जब तक फिर से हर एक स्टेट की मतलब AKFI में हमारे इंडिया में हर एक स्टेट के अध्यक्ष सिलेक्टेड नहीं हो जाते, मतलब रीसिलेक्शन होगी फिर से और फिर से वोटिंग होगी एकदम फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से। और IKF को भी नोटिस गया, मतलब हर एक देश के अध्यक्ष को भी नोटिस गया है, वहाँ पे भी फिर से रीसिलेक्शन होगी, ट्रांसपेरेंट रीसिलेक्शन होगी। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, जनार्दन सिंह गहलोत IKF के प्रेसिडेंट रहे, मतलब 12-14 सालों से प्रेसिडेंट रहे हैं और हर बार मीटिंग में छोटी सी मीटिंग होती थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, और हर बार वही प्रेसिडेंट बन जाते थे। एक्चुअली कोई वोटिंग वगैरह कुछ नहीं होती थी, सब कुछ आर्टिकल में लिखा है। अगर आपको मेरी बातें विश्वास नहीं होती तो आप हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में देख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में देखनी है तो स्पोर्ट्स कीड़ा, फर्स्ट स्पोर्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस सभी ने छापी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हिंदी में देखनी है तो हमारी लोकसभा, जे न्यूज़ हिंदी सभी ने छापी है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक है। और मराठी में पढ़नी है तो लक सट्टा ने छापी है, आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों इसको लेके मैं और एक वीडियो बनाऊंगा एकदम इन डेप्थ, जाके सब कुछ समझा के, और उस वीडियो में टीम इंडिया को लेके चर्चा होगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि टीम इंडिया में सुरेंद्र नाड़ा और सुरजीत सिंह के जगह गंगाधरी मल्लेश और राजूलाल चौधरी को लिया गया है। हम सभी को पता है राजूलाल चौधरी और गंगाधरी मल्लेश डिजर्व नहीं करते टीम इंडिया में खेलने के लिए, और उनको किस तरह से सिलेक्ट कर लिया गया है, क्या मतलब उनसे पैसे लिए गए हैं ना लिए गए, और टीम इंडिया को लेके क्या होगा, एशियन गेम्स में वो जाएंगे, उनके आने के बाद उनके मेडल्स जब्त कर लिए जाएंगे, हाँ दोस्तों मेडल्स जब्त कर लिए जाएंगे तो क्यों कर लिए जाएंगे, और क्या होगा आगे का प्रोसीजर, हर एक चीज में उस वीडियो में बताऊंगा आप सभी को। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कबड्डी गुरु को सब्सक्राइब करना है ताकि और भी जानकारी आपको मिल सके। और दोस्तों मेरी बातों पे विश्वास ना करें, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारे के सारे आर्टिकल्स पढ़ लीजिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे अपने सारे दोस्तों के साथ। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह है, तो हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वो लाल कलर का बटन से दबाइए और उस घंटी को थोड़ा हिला दीजिए ताकि आपको मिलते रहे कबड्डी के हर अपडेट्स। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए अपडेट के साथ। Someone like you, I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true.